राजकीय औद्योगिक महिला प्रशिक्षण संस्थान में टीबी के बारे में जागरूक कार्यक्रम आयोजित किया। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के निर्देशन और जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अनुपम सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को राजकीय औद्योगिक महिला प्रशिक्षण संस्थान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रधानाचार्य नेहा ने सभी का स्वागत करते हुए क्षय उन्मूलन में सभी की सहयोग करने को कहा। इस मौके पर जिला क्षय रोग अधिकारी ने बताया कि सभी लोग अपने घर व आसपास किसी में भी टीबी के लक्षणों को देखें तो उन्हें नजरअंदाज न करें, स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर जाएं, जांच कराएं और कार्यक्रम के माध्यम से जो जानकारी दी जा रही है उसका प्रचार प्रसार कर क्षय उन्मूलन में सबका सहयोग करें। पब्लिक प्राइवेट मिक्स समन्वयक मनीष श्रीवास्तव ने टीबी के लक्षणों के बारे में जानकारी दी और कहा कि दो हफ्तों से अधिक समय तक खांसी आए, शाम के समय बुखार आए, सीने में दर्द हो, थकान महसूस हो, बलगम में खून आए, रात में पसीना आए और लगातार वजन घटे तो सजग हो जाए, पास के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच और इलाज कराएं। क्षय रोगियों को पोषण के लिए इलाज के दौरान हर माह 500 रुपए सीधे बैंक के खाते में भेजे जाते हैं। इसके साथ ही निक्षय मित्रों द्वारा क्षय रोगियों को पोषणात्मक और भावनात्मक सहयोग देने के लिए गोद लिया जा रहा है। जिला प्रोग्राम समन्वयक अभय मिश्रा ने बताया कि जनपद में 19 टीबी इकाई, 2 सीबी नॉट और 8 ट्रू नॉट और 32 डिजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपिक सेंटर DMC है। इस मौके पर फोरमैन RT यादव, अतुल कुमार, DTC व राजेश और 11 शिक्षक, विद्यार्थी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इसी क्रम में अमावा ब्लॉक के हरदासपुर प्राथमिक विद्यालय में संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। जी का सपना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2025 तक भारत से टीबी को जाना है, समाप्त कर देना है, ठीक है, भारत से टीबी को समाप्त कर देना है। तो टीबी को समाप्त करने के लिए हमें क्या जानना होगा, हमें टीबी के लक्षण जानने होंगे, है ना। तो टीबी के लक्षण अभी आप लोगों ने जो बताया उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टीबी के जब आप लक्षण जानोगे तभी आप इस बीमारी को खत्म कर पाओगे, है ना। आपके अगल बगल इर्द गिर्द जो भी उस लक्षण से पीड़ित होगा तो आप उसको कम से कम इतना तो बता सकते हो ना कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाओ, वहाँ पे बलगम की जांच फ्री होती है, है ना। तो टीबी के 5 प्रमुख लक्षण हैं, आप उन लोगों को याद कर लो, ठीक है।